उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वाकया जनपद बांदा के मरका थाना क्षेत्र के इगवारी गांव का है। आज शॉर्ट सर्किट की वजह से स्वामी शरण के घर में करंट फैल गया। शॉर्ट सर्किट को देखकर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए बाहर दौड़ा, जिससे स्वामी शरण के लोहे के दरवाजे पर हाथ लग गया। लोहे के दरवाजे में करंट आने से स्वामी शरण दरवाजे से चिपक गया, जिसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जनपद बांदा से संवाददाता नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मेरा नाम है हीरा सिंह वर्मा जी। आप इनको अभी लेके आए थे, क्या हुआ है इनको? अचानक मतलब हम लोग घर में थे, हाँ। अचानक लाइट आई बहुत तेजी से, हाँ। तो मतलब पूरे बस्ती में आग लग गई, हाँ। ठीक है, घर में जितनी भी वायरिंग थी तो पूरे में मतलब घर में आग लग गई जी। तो मतलब भागे जल्दी से, तो दरवाजा था लोहे का, तो लोहे के दरवाजे में हाथ टच हो गया भाई हमारे। अच्छा, तो बस भाई उसी में चिपक गया। इसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी जो है बांस की लाठी से जो है हटाए, और इसके बाद जैसे हटाए तत्काल फिर हम लोग जो है कैसे कैसे प्राइवेट वाहन करके और यहाँ बबेरू अस्पताल तक लेके आए। अच्छा, यहाँ डॉक्टरों ने देखा, क्या बताया डॉक्टरों ने? देखा, गए आँख में रुई लगा के देखे, कॉटन लगा के, तो इसके बाद फिर हमें बताया कि मतलब कुछ है नहीं, मेरा तो घोषित कर दिया। अच्छा, आपका कौन था ये? मेरा भाई। कितने बच्चे हैं इनके? इनके दो बच्चे हैं। थाना क्षेत्र में एक करंट से मौत हुई थी, क्या मामला सर? क्या ये स्वामी शरण पुत्र चंदा बर्मन, उम्र लगभग 30 वर्ष थी, ये इगमारी गांव थाना मरका के रहने वाले थे। कल शाम को समय लगभग 7 बजे और 11,000 की लाइन इनके गांव में होकर घर के ऊपर गई है, उसका तार टूट गया था। घर में करंट आने से ये अपने घर की बिजली बंद करने जा रहे थे, स्विच ऑफ करने जा रहे थे, उसी में करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई है। परिजन CSC बबेरू इनको लाए थे, चिकित्सा अधिकारी ने इनको मृत घोषित कर दिया है। पंचायतनामा PM की कार्रवाई कराई जा रही है।